कि आपको वो पार्टनरशिप. और एक और बात, एक और बात, शाहिन शाह अफरीदी, हम ये बात कर रहे थे काफी दिनों से कि ऐसा ना हो कि वो स्ट्रगल करते उस रिदम में नजर नहीं आया शाहिन शाह अफरीदी, देखा वो रिदम में नहीं थे. तो मेक श्योर, देखिए हमेशा ये T20 गेम, चलो ठीक है आपके ऑन डे आपकी अगर कोई एक एक प्लेयर की, एक बैटर की, एक बॉलर की और परफॉर्मेंस आती है तो आप जीत जाते हो, लेकिन इसे टीम गेम, टीम गेम है ये. तो मेक श्योर कि जब आपका कोई भी प्लेयर खेले वो फुली फिट हो. हाँ. क्योंकि एक एक प्लेयर भी अगर आपका हाफ हाफ फिट भी खेलते हैं तो वो टीम के लिए नुकसान. अच्छा, ये एक नॉर्म है कि वो जब गेंद हुआ है तो एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया था, फिर कोहली ने बहुत एग्रेशन के साथ वो कहा कि नो बॉल है, फिर नो बॉल. तो इट इज द नॉर्म. अगर वो उस वक्त वो नहीं भी बोलते तो वो जरूर चेक जरूर, तो वहां चला जाता टीम एम्पायर जाते और ऑटोमेटिकली जाते हैं वो. आप उसके बाद अगर वो एम्पायर उस वक्त कंसर्न नहीं भी करते विराट कोहली, तो बाद में भी वो थर्ड एम्पायर को ये अथॉरिटी होती है कि वो इंटरप्ट डिक्लेयर कर देता है, वो इंटरप्ट कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, इसीलिए इतनी सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है. सो आखिरी ओवर नवाज, यानी एक होता है ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था ही नहीं आपके पास. इफ्तिखार अहमद से कराते, इफ्तिखार अहमद ने मैच में बॉलिंग ही नहीं की. सही तो है, एक नए बॉलर को तो आप नहीं दे सकते. कैप्टन को इतना आगे सोचना चाहिए था कि शायद नवाज को एक आधा मैच में, पहले भी ऐसा हुआ है नवाज ने आखिरी ओवर किया एशिया कप के मैच में, पांड्या ने मारा था. कितने रन बनाए थे उन्होंने, ऐसे ही थे कोई 12-13-14 का छक्का लग गया और एक आधा ओवर पहले ही खत्म हो गया था. तो ये बैक ऑफ माइंड होता है प्लेयर्स पे कि मुझे उस मैच में हुआ था. बाबर आजम क्या बीच में कोई चांस ले सकते थे एक टाइम पे जब 40-50 रन हुए हुए थे 10-12 ओवर में और बहुत ज्यादा, तो उस वक्त एक आधा ओवर पास में किया उन्होंने, सही है. एक आधा ओवर कर देते कि यार नवाज हो सकता है, लेकिन ये आपको एज ए कैप्टन पहले सोचना है. हाँ. 10 ओवर पहले सोचना है, इतनी आपकी आई होनी चाहिए, इतनी आपकी सोच होनी चाहिए, अगर उस सिचुएशन में आएंगे सही है तो क्या क्या हो सकता है. सही है. कमिंग बैक टू कामरान अकमल पॉइंट के एक फास्ट बॉलर शॉर्ट था हमारा, आई थिंक ये एक मसला हुआ जिसकी वजह से लास्ट ओवर भी अगर एक फास्ट बॉलर और होता तो हमें लास्ट ओवर नवाज से नहीं कराना. और एक ऐसी टीम में जिसमें आपको शाहिन शाह अफरीदी फुली फिट भी नहीं है, उनके भागने से भी नहीं अंदाजा हो रहा था, भागने से पता चला. तो ऐसे टाइम पे जिस तरह हमने बात की भी थी एक टाइम पे, आपसे भी कहा था कि अगर हम उनकी बॉलिंग अटैक देखें तो उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास नहीं थे. मेरे ख्याल से ये ट्रिकी पॉइंट्स थे इस मैच में जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए. अगर आप इजाजत दें, मैं यूनुस भाई से एक बात करना चाहूंगा. यूनुस भाई, आप ही समझते हैं कि कैप्टनसी वीक, इस पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाना, फखर आप पे, फिर अब शाहिन शाह अफरीदी, सबको नजर आ रहा है कि रिदम में नहीं है. इंडिया अपने बुमराह जैसे जिस पे वो रिलाई करते हैं उसको गड़बड़ा के आगे, आप हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाके मैच तो हार ही रहे हैं, इवेंट आप कैसे जीत सकते हैं. यही है, देखिए हमने ये बात, अगर हम अपनी दिन की ट्रांसमिशन देखें तो नजीब के साथ हम यही बात कर रहे थे कि देखें बाजुकात ये हो जाता है कि अगर आपका एक प्लेयर फुली फिट ना हो, जितना भी स्टार प्लेयर हो, बिल्कुल, देखिए इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट टीम, बिल्कुल, नेशन. तो आपको हमेशा फुली फिट प्लेयर आपको लेके जाने और उसे खिलाना. अभी अपनी लाइफ में विराट कोहली को इतना इमोशनल इस अंदाज से नहीं देखा, व्हेन ही वाज लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स, और इस बात को कह भी रहे थे बार बार, बट वेल प्लेड, क्या बात है, जो अच्छा खेला तारीफ कर दीजिए. क्या नजीब, आप कुछ जी कह रहे थे, वही फास्ट बॉलर की बात हो रही थी. कामरान, आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें. मैंने कहा था कि हमारी एक बैटिंग लाइनअप ना 8वें नंबर पे हमारा प्रॉपर बैट्समैन है, जिसमें हमारा प्लस पॉइंट है नवाज और शादाब की बैटिंग, वो नंबर 4 पे भी आते हैं, 5 पे भी आते हैं और मैच जितवा के जाते हैं. तो हम लोग ऐड एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर हम लोग कर सकते हैं, कंडीशन हमारे मतलब की है, पिचिस विकेट को फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रहा है, तो हमें ज़रूरत भी है. एक जैसे यूनुस भाई ने बताया शाहीन का, वो भी एक रीज़न था. वैसे भी हमारा कॉम्बिनेशन 4 फास्ट बॉलर के साथ बनता है. नवाज रेगुलर बॉलर नहीं है, ये ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग इसने टीम में आके प्रॉपरली शुरू की है, ये स्पेशलिस्ट 5 बॉलरों में नहीं आता. लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, ये मेरी थॉट थी कि 11 ये बनते हैं. हाँ. लेकिन विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है यार. क्या बात, चेजिंग में, प्लेयरिंग में, जो उसने हारिस राउफ को छक्का मारा पहला, जो मैंने बात की है, कहा वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता. अच्छा, मैं इतनी बात कर रहा हूँ मॉडर्न डे सिवाय इसके, इस मॉडर्न एरा. और उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना लास्ट ओवर तक जाना, मैंने बात की थी. नवाज का ओवर 1 है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता क्या, वो इनिंग्स बनाता है रन्स के, उसने अंबार लगाए हुए हैं. हाँ. तो वो अपने पार्टनर की सुन रहा, जूनियर है. तो यही होती है टीम एफर्ट, गेम प्लान लेके जाना. तो मेरे ख्याल से आपने गेम प्लान की वजह से जीते हैं और अपनी समझदारी की वजह से जीते हैं,
और एंड तक गए हैं, चार आउट भी हो गए हुए थे, पावर प्ले में ऑलमोस्ट चार आउट हो गए थे, तो उसके बाद मैच जीतना मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। हमारी टीम ने अच्छा किया पैचेस में किया, लेकिन ये एक मोमेंटम मिला उसके बाद लूज नहीं किया। गेम प्लान की बात करें तो गेम प्लान इस तरह का होना जिसमें नवाज का आखिरी ओवर हो, ये एक लूप होल था प्लानिंग में। वो देखें वो जरूर था, मैं कह रहा था पहले ही कह रहा था कि नवाज हमें स्पिनर्स को मार पड़ रही है, नवाज का लास्ट ओवर आएगा, अभी छह ओवर रहते थे, अगर उस टाइम करवा लेते ना 10-12 होता है तो बच जाते। लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर, मैंने कहा था लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर कर रहा हो और नवाज ना कर रहा हो, हाँ। तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में चल रहा था, वो ऐसे गेम को लेके चल रहे थे। और अभी कोहली ने कहा भी कि माइंड में चल रहा था, माइंड में चल रहा था। तो ये देखिए ये चीजें हैं, ये प्रोफेशनल टीमें ऐसे प्लान करती हैं, ऐसे माइंड बनाती हैं, हमारी तरह नहीं है धड़ 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 चलो जी, जैसे मोमेंटम मिल गया शिदाब आके मार के चला गया, हैदर अली मार के चला गया, हाँ, उनका कुछ लगता दिमाग नहीं चल रहा था, हाँ। और उसके बाद फिर जैसे अभी तो शहीन ने रन किए हैं तो हम लोग यहाँ तक चले गए, नहीं तो ये तीन ओवर पहले उन्होंने मैच खत्म कर देना था। तो ये भी देखे ना कि हम लोग कहाँ पे वीक करे, हम लोग जीत के बाद ना अपनी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं करते, जिसकी वजह से लॉस होता है पाकिस्तान की क्रिकेट को। हमारे में ईगो इतनी आ गई हुई है, सुनते किसी की नहीं है, अपनी कर रहे हैं, यही चीजें नुकसानदेह। एक्सपेरिमेंट कर करके टीम का बुरा हाल कर दिया, क्रिकेट का बुरा हाल कर दिया। ठीक है टीम जीती जरूर है, फाइट की है, आई मीन मेरे लिए तो जीतना ही है, लास्ट ओवर तक भी गए हैं, लेकिन गलतियां बहुत हैं, मजीद नजर आएंगी, लेकिन ये मानेंगे नहीं, करनी है ना ने अपनी जे करनी अपनी है। कामरान मैं यूनुस भाई से पूछना चाहूंगा, यूनुस भाई क्योंकि आप खुद टीम के साथ कोच की हैसियत से रहे हैं, क्या मगर आप नहीं हूँ, अब आप रहे हैं, अंदर की रिपोर्ट नहीं देने, अंदर की रिपोर्ट आप ही दोगे, मैं आपसे पूछूंगा अंदर की रिपोर्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर आपके अल्हम्दुलिल्लाह भी कर, मैं जो कह रहा हूँ वो भी समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ यूनुस भाई, बाबर क्या वाकई सीखना नहीं चाहते या सीख नहीं पा रहे हैं सीखने में, क्योंकि एशिया कप में भी आपने 55 पे 5 आउट किए श्रीलंका के, उसके बाद आप रिलैक्स हो गए और नतीजा ये निकला कि मैच आपके हाथ से फाइनल चला गया। आज भी आप एक मोमेंटम आपने पकड़ लिया था, उनका टॉप ऑर्डर साफ कर दिया था, अब आपको मैच जीतना चाहिए था, लेकिन वीक कैप्टनसी, पुअर ना भी कहें वीक कैप्टनसी जरूर थी। तो आप समझते हैं कि बाबर जो है वो या तो बहुत ही स्लो सीख रहे हैं, ऐसा ना हो जब तक वो सीखें तब तक करियर ही खत्म हो जाए। देखिए अब आपने एक फैसला कर लिया कि उनको कैप्टन होना है, या तो उस वक्त थोड़ा पहले था वो फैसला, जिसने भी किया ये फैसला, मैं खास उनसे पूछना चाहिए आपको, अगर मैं चेयरमैन होता उस वक्त तो आप मुझसे पूछते, मैं बड़ा अच्छा जवाब देता कि मैं क्यों नहीं, आपके ख्याल में उस फैसले में कुछ झोल था कप्तानी बहुत उस वक्त तो बहुत अनमेच्योर, वो एक एज अ प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं था उस वक्त। हम उस वक्त की बात करें जिस वक्त ये बन रहे थे, तो उस वक्त शान मसूद का भी नाम आया था, शान मसूद को कैप्टन आपको जबरदस्ती, हाँ वो ऐसा कुछ हो रहा था उस सिचुएशन में, लेकिन उस वक्त मैंने इसको कहा था कि ना बनना कप्तान, अभी मैं चाहता हूं अगले 2-3 साल आप क्रिकेट खेलो, अभी अब आपको अंदर की रिपोर्ट देना है। पाकिस्तान के कप्तान जिनकी कप्तानी पर ही बात हो रही थी, बल्कि इजाजत अगर तनवीर से, मैं तनवीर आपसे पूछूं, जब हम ये एशिया कप का जो मैच आ रहा है, इन्होंने बात की इंकशाफ कर रहे थे, इंकशाफ बात बीच में रह जाएगी कि इन्होंने मशवरा दिया था कि कप्तान ना बनो, वो बात तो पूरी कर ले, कप्तान नहीं ये सही बताया पूरा, नहीं नहीं मैंने सही बताया, नेशनल T20 हो रहा था फैसलाबाद में, मैंने उस वक्त बात चल रही थी ग्राउंड में, हम लोग मैच खेलने के लिए आए थे, तो मैं कह रहे थे कि बाबर को कप्तान बना रहे, मैंने इसको कहा था, खैर सीख तो रहा 3 साल हो गए हुए, लेकिन उस वक्त नहीं बनता था इसका, अभी एज ए प्लेयर खेलता तो परफॉर्मेंस करता है, इस टाइम कप्तान बनता तो अलग ही बात। आप गोल कर गए, आपने क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया तो बता देंगे, आपका खबर बन जाए, नहीं दिया था उसने, सुन लिया था मैंने, मेरा मैंने अपनी राय दी थी, सुन जरूर रहे लेकिन कर रहे सीख भी रहे, ऐसा नहीं कि देखिए सीख भी रहे, ऐसा ही होता है, देखिए लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि कैप्टनसी अभी ना करो एज ए प्लेयर, वक्त से पहले आपके ख्याल में बड़ी जिम्मेदारी दी थी उनको उस वक्त, उस वक्त, लेकिन अब अगर ये फिर वही बात होगी कि जैसे हम यहाँ बैठ के बात करेंगे इसको हटा दें, ये जाए वो जाए, फिर अगला आएगा फिर वही बात होगी, तो इसलिए देखिए बात समझ होती है कि जब कोई भी आपको कोई भी नई एक ओहदा मिलता है, हाँ। आप लर्न करते हो, आप सीखते हो, कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ फॉर टाइम लर्निंग की रफ्तार तेज है या सुस्त है, ठीक है बस बीच में बहुत तेज भी नहीं लेकिन बहुत, हां क्योंकि देखिए जैसे हमने एक बात की कि पहले आपको 8-10-15 ओवर पहले सोचना है, ठीक है मैं अपनी बड़ी बातें बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका के मैच हम की बात करें तो उमर गुल का एक ओवर रहता था और मैंने फवाद आलम से ओवर, ये गवाह है वो, ये सब मुझे कह रहे थे कि क्या हुआ क्यों कर रहे हैं, और उमर गुल को जाके सर लगा था पहले ही, तो आपको मैंने कहा खुदा ना खास्ता ये कि सर पकड़ के बैठे थे मैं किससे कराऊंगा,
तो क्रूशियल टाइम पे एक ओवर फवाद आलम का हमने करा दिया था। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सोचना, जब आपको जीतना है, जब आपको बड़ा कुछ करना है, तो आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, लेकिन सही टाइम पे। वही हुआ, उसमें 14-15 रन बने भी, और इन्होंने मुझे बहुत बोला क्या कर रहे हैं, अमर गुल का ओवर रह जाएगा। मैं कहा नहीं, मुझे करने दें, लेकिन वो अगर मैं बाद में करता तो फिर लेट हो जाता। तो बात कर आपको, जबकि मुझे सबने बोला कि भैया क्या कर रहे हैं भाई, आप क्या भूल गए, उमर गुल मेरे पास खुद आए, भाई भाई मेरे एक ओवर रह जाएगा। मैंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है भाई, लेकिन आपको एज अ कैप्टन ये सब कुछ, आपको ये पॉइंट्स आपके जहन में, ये लेकिन रिस्क ऐसे नहीं कि आखिरी ओवर में रिस्क लूंगा, कैलकुलेटेड बाद में। तो देखिए, जो हम बार बार ये बात कर रहे थे, अगर हम बात करें 10 ओवर में जब क्रिकेट मैच हो रहा था तो 50 ऑड रन थे उनके, 40। सॉरी, बात विराट कोहली ने आखिरी ओवर में भारत को जिताया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया है। रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी बॉल पर 1 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 160 रनों का टारगेट दिया था। विराट कोहली की कमाल की पारी के दम पर टीम इंडिया ने इस मैदान में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। विराट कोहली ने आखिरी ओवर में भारत को जिताया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया है। रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी बॉल पर 1 रन बनाकर